हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट दोनों ही के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, गूगल शीट में क्या है और एक्सेल में क्या है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जैसे एक्सेल में आते हैं और यहाँ पर अगर आपको ड्रॉप डाउन बनानी है, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन बनाने में समस्या क्या होती है। देखिए, समस्या ये है कि अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो डेटा टाइप पे जाते हैं और डेटा टाइप पे जाकर के डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से डेटा वैलिडेशन आ जाता है। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है लिस्ट, और लिस्ट करते ही यहाँ पे नाम लिखते हैं जो भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोकेश लिखा, फिर कॉमा दिया, यहाँ पे गौरव लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया गौरव। फिर यहाँ पे अंकुश एक नाम लिख दिया, फिर यहाँ पे हिना कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से ओके करना है, और ओके करने के बाद क्या करना है, ये ओके हुआ, और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नाम आ गए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आते हैं और यहाँ पर कोई एल टाइप करते हैं या कुछ भी टाइप करते हैं, तो यहाँ पर आपको वो लिस्ट शो नहीं होती है, एल वाले नाम शो नहीं होते हैं। आप देखिए, ये इस तरीके से आ रहा है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एल नाम से लोकेश पहले से पड़ा हुआ है। लेकिन ये चीज गूगल शीट में जो है, ये आपको काफी आसानी कर देता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर पी नाम से हमें देखना है, तो ये देखिए पुनीत जो है नीचे शो होने लगा कि पी नाम से ये लिस्ट है, ठीक है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ पर जाकर के, और भी ज्यादा इसमें लिस्टिंग करनी हो, जैसे मान लीजिए और भी नाम इसमें देना हो, जैसे यहाँ पे एक नाम दे दिया कुंदन, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आना है यहाँ पे अनदर, तो फिर यहाँ पर एक अगला नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे कर देते हैं युवराज। तो ये कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आते हैं ना, ओके करते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आए और यहाँ पे वाई प्रेस करते हैं तो युवराज हाईलाइट, ठीक है, ए प्रेस करेंगे तो ए वाले नाम हाईलाइट, तो सारे नाम आपको हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे। और ये बना कैसे है, बना तो ऐसे ही है जैसे यहाँ पर आप एक्सेल में बनाते हैं, वैसे ही बिल्कुल बना हुआ है। तो यहाँ से आपको डाटा टाइप पे जाना है, डाटा टाइप पे जाकर के क्या करना है, यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे जाना है, और यहाँ से आना है ऐड रूल पर, और बस आपको ये यहीं पे बनाना है। तो जहां तक बनाना हो वो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए हमें यहीं पे बनाना है, तो यहाँ पर आकर के अब यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ, जैसे देवरिया लिखता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे लखनऊ लिखता हूँ, सिटी के नाम है LUCKNOW, और यहाँ पे देहरादून लिखता हूँ DEHRADOON, देहरादून हो गया। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, अनदर आइटम पे जाएंगे और यहाँ पे दिल्ली कर देंगे, DELHI दिल्ली हो गया। फिर यहाँ पे अनदर आइटम पे जाएंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया अलीगढ़, ठीक है, तो ये कर दिया, और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप ओके करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आते हैं तो डी वाले नाम, डी से केवल डी वाले नाम हाईलाइट, ठीक है, ए से केवल ए वाले नाम हाईलाइट, ठीक है, अगर बात करें हम एल की, तो एल से केवल एल नाम, एल वाले नाम हाईलाइट, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गूगल शीट इन कंपैरिजन टू एक्सेल ज्यादा बेटर है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन आपको बेटर लगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।